मैं आई सर सर आइए नमस्ते नमस्ते प्लीज टेक सीट। यू आप चंपा कुमारी जी चंपा आप हिंदी में बात करना पसंद करेंगे जी जी। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है जी सर। और फिलहाल आपको किसी किस्म के कोई लक्षण नहीं है तो आप अपना मास्क हटा लीजिए थैंक यू सर कंफर्टेबल है जी बिल्कुल ठीक है तो चंपा मेरे ख्याल से बातचीत शुरू करते हैं सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि आप ही खुद अपने बारे में कुछ बताइए बस कोशिश कीजिएगा कि आपको एक तो अपना नाम नहीं बताना है अपने जाति धर्म संप्रदाय वग़ैरह का कोई उल्लेख नहीं करना है सर मेरा ग्रेजुएशन स्वामी अनुग्रह नारायण कॉलेज अरवल से हुई है जोग्राफी ऑप्शनल 2015 में और सर उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा हॉबी वेस्ट टू डेकोरेट वेल्थ क्रिएट करना है आपने 2015 में ग्रेजुएशन कर लिया था सात साल से आप बिना किसी कामकाज के केवल परीक्षा की तैयारी कर रही। जी बीच में मुझे रेलवे में जॉब मिली थी, बट मैं उसे क्विट कर दी। रेलवे की नौकरी आपने छोड़ दी जी और आप बिहार सरकार की नौकरी में आने के लिए तैयार है रेलवे की नौकरी तो केंद्र सरकार की नौकरी वहाँ वेतन भी अच्छा होता है किस पद पर जा रही थी आप जी स्टेशन मास्टर स्टेशन मास्टर तो रेलवे की बहुत अच्छी नौकरी है। क्यों आपने छोड़ी सर मुझे पब्लिक डीलिंग वर्क रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से ज्यादा पब्लिक डीलिंग वर्क कौन करता होगा कमीशन सर्विस में आना था तो इस वजह से आपने किन आधारों पर यह फैसला लिया केवल इतना मुझे बताइए ताकि मैं आपकी व्यक्तित्व में जो निर्णय की क्षमता है वो है या नहीं ये जान सकू तो मुझे यूपीएससी या बीपीएससी में सिलेक्शन लेना था ये तो एक आपकी इच्छा हुई जब हम फैसले लेते हैं तो हम बहुत सारे पक्षों पर विचार करते हैं उसके आधार पर एक निर्णय तक पहुंचते हैं तो एक आपकी इच्छा थी कि आपका चयन किसी पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरी में इसके अलावा क्या वजह थी दूसरी की मैं लोगों के साथ लोगों के लिए कुछ कर सकू मतलब अपने पावर के साथ पावर जी क्या होती है पावर So, आपको कुछ आ, करने के लिए आप किसी के करने की एबिलिटी रखते हैं, गवर्नमेंट से आपको ओ, मिलता है चलिए आपने भूगोल विषय लिया है जी बताइए क्या भू सही में गोल है नहीं सर शेप का है कैसी शेप होती है so, पे और कैंसर पे थोड़ा सा मूवमेंट टिल्टिंग है इस वजह से जुआर्ड शेप बनता है उसका अगर पृथ्वी एक पूरी तरह से गोलाकार होती तो हमारे जो तमाम जलवायु इत्यादि है उस पर क्या अंतर आता वर्तमान की तुलना सर एक तो सन का जो मोमेंट है सन का जो मोमेंट है वो मे बी अगर सन की जो किरणें आती हैं वो शायद अगर टेल्टेड नहीं होता तो और ज़्यादा दूर तक जाता मतलब साढ़े तेईस डिग्री से और अपर तक मे बी और दूसरा सर उसका प्रभाव ये होता कि अगर टिल्टेड ना होता तो डे नाइट का इफेक्ट पड़ता वो घंटे के नहीं बारह बारह नहीं नहीं तो अब भी नहीं होते नहीं सर ओ, वो बारह बारह घंटे का नहीं मतलब अगर टेल्टेड है तो इस वजह से वहाँ जाकर के उसका लाइट आगे नहीं बन पाता तो ठीक ठीक थैंक यू चंपा, जी ये बताइए कि आपने बताया कि आप डेकोरेटिव पीसेस बनाती है क्या क्या बनाया है अभी तक आपने सर मैं लाइटिंग आ, के लिए बोतल का यूज करती हूँ एंड दूसरा प्लांट को उसमें प्लांट होल्ड करने के लिए बोतल का यूज करना एंड पेपर वगैरह से स्टैंडिंग रूम का डेकोरेटिव सामान बनाना जैसे टेबल पे रखने के लिए एंड वॉल पे होल्डिंग के लिए एक वेस्ट टू एनर्जी का भी एक कॉन्सेप्ट होता है क्या कॉन्सेप्ट है वेस्ट से यानी बायोमास से एनर्जी को क्रिएट करना तो उसमें क्या किया जाता है मैम उसमें वेस्ट और, से इट मीन्स कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डीकम्पोज हो गए हैं उसको बैक्टीरिया की सहायता आर्टिफिशियल बैक्टीरिया फिर नॉर्मल बैक्टीरिया की सहायता से ढक करके हम बायोगैस बनाते हैं ठीक है और जो सूखा कूड़ा होता है उसके लिए क्या करते हैं मैम ड्राई uh, वेस्ट से भी हम बनाते हैं उसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट होती है और उसके थ्रू भी हम एनर्जी uh, क्रिएट करते हैं कैसे करते हैं तो जला के करते हैं कैसे करते हैं सॉरी याद नहीं है नहीं याद है आपको कोई बात नहीं ये बताइए कि बिहार की तीन मुख्य समस्याएं क्या हैं पोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड लिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है बिहार में फोर्टीन पॉइंट जीरो थ्री परसेंट और क्या कारण लगता है आपको कि इतना ज़्यादा अनइंप्लॉयमेंट क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण में सबसे ज़्यादा है एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी फुल प्रोडक्टिविटी यूज नहीं हो पाना क्योंकि वहाँ की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे लाई करती है एंड एग्रीकल्चर का होल्डिंग कैपेसिटी पर पर्सन काफ़ी कम है यानि वहाँ पर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिखती है तो उसको हम आ, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वो हमारा अनडेवलप्ड है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है और ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो भी आपने ले रखी है उसको क्या कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इसका एक टेक्निकल टर्म भी होता है इकोनॉमी में चलिए सात निश्चय स्कीम बताइए बिहार की बिहार की सात निश स्कीम गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा लाया गया है जो कि एक मिशन मोड में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पहला फेज उसका 2015 से आया था 2015 से 2020 तक एंड अभी उसका सेकंड फेज चल रहा है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे चल रहा है आत्मनिर्भर बिहार के नाम पे विथ सस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें सात मिशन मिशन तैयार किए जाते हैं और इस मिशन को पूरा करने कुछ के लिए कुछ नाम बताएं सात निश्चय के जो अभी जैसे सेकंड फेज का है सशक्त महिला सुरक्षित महिला हर खेत को सिंचाई का पानी सुरक्षित गांव समृद्ध गांव सुरक्षित शहर विकसित शहर इसमें बोला गया है स, सशक्त महिला सुरक्षित महिला कैसे कैसे एक सशक्त महिला सुरक्षित हो जाती है मेनली मैम सशक्त होने पे महिला में डिसीजन लेने की एबिलिटी ज़्यादा आ जाती है राधे दिन अगर महिला अनएम्प्लॉयड हो तो या डिपेंडेड हो तो ठीक है और और क्या सशक्तिकरण के आधार है पॉलिटिकल है इकोनॉमिकल है सोशल है पॉलिटिकली महिलाएं एक वॉइस क्यों नहीं बन पाती हैं ये बताएंगे अभी तक वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास नहीं करवा पाई और पॉलिटिकली विजिबिलिटी भी कम है क्या कारण है मैंने अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो बिहार में पंचायती राज एक्ट के तहत 50 परसेंट वोमेन को रिजर्वेशन दिया गया जहाँ वुमेन दिख रही हैं 50 परसेंट वोमेन आ रही हैं वहाँ बट ये लेजिस्लेटिव लेवल पे महिलाएं अभी बहुत कम आ रही हैं जैसे अभी फिलहाल 26 ही हैं टोटल असेंबली में लेजिस्लेटिव असेंबली में तो महिलाएं जा नहीं पा रही हैं इस वजह से एक कलेक्टिव वॉयस क्रिएट नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई भी पॉलिसी को लाने के लिए आपको मेजोरिटी लोगों की जरूरत होती है धन्यवाद चंपारण कुल कितनी सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार में 243 243 अच्छा उसमें 26 महिलाएं 10 परसेंट कम से कम जी 26 महिलाओं के लिए अभी कुछ उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयास भी किया गया बिहार में क्या प्रयास किया गया सर प्रयास एक तो लेजिस्लेटिव लेवल पे बिहार पंचायती एक्ट 2006 है। हजार तो पुराना है अभी जी अभी सात निश्चय के तहत सशक्त महिला समृद्ध महिला एंड आरक्षण का प्रावधान किया गया है हर जॉब में गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण 35 परसेंट आरक्षण का बात किया गया है दूसरा महिलाओं को ग्राउंड लेवल पे एजुकेटेड करने के लिए क्योंकि बिहार में लिटरेसी बहुत कम है महिलाओं का तो भी दी जा रही है तो बहुत अच्छा चलिए अच्छा ये बताइए कि कोई एक पद संवैधानिक ऐसा बताइए जो लगातार विवाद में रहा हो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन को लेकर विवाद है चलिए और ले पद की बात कर रहा हूँ संस्था नहीं गवर्नर गवर्नर का पद क्यों सर ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ स्टेट में गवर्नर और सीएम कैबिनेट के बीच में टसल देखा गया है तो अच्छा चलिए राज्यपाल का पद विवादों से मुक्त हो जाए इसके लिए क्या सुझाव आपके पास है आपके ओरिजिनल सॉरी सर चलिए अच्छा बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा चल रही है जी क्या लाभ होंगे जातिगत जनगणना से सर जातिगत जनगणना से सरकार के पास एक कॉन्क्रीट डाटा आएगी जिसकी वजह से सरकार उन लोगों के लिए स्कीम चला पाएगी जो वल्नरेबल है एंड एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चल पाएगा जिससे ट्रांसपेरेंट वे में उन्हीं लोगों को डायरेक्ट लाभ मिल पाएगा जो इसके लिए एलिजिबल हैं क्यों नहीं बिहार सरकार अपने स्तर पर इस काम को कर लेती है केंद्र से आग्रह करने का क्या अर्थ है भाई लगातार आप देख रहे हैं दबाव केंद्र के ऊपर बनाया जा रहा है क्यों सॉरी सर इसमें मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अच्छा चलिए संघी ढांचे के बारे में कुछ जानते हैं यस yes, सर क्या होता है संघी ढांचे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इस रिलेशन को दर्शाता है कि दोनों के बीच में वैधानिक कार्यपालिक शक्तियों का बंटवारा टैक्सेशन वित्तीय शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा भारतीय संघीय ढांचे और अमेरिकी संघीय ढांचे के बीच में क्या अंतर है सर भारतीय संघीय ढांचे में हम कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर पाए हैं स्टेट को जितना अमेरिकी संघीय ढांचे में अमेरिकी संघीय ढांचे की स्टेट काफी इंडिपेंडेंट हैं सेंटर से और यहाँ के जो आ, हमारे यहाँ के जो है वहाँ कोऑर्डिनेशन का एक ट्रांजिशन जोन रखा गया है जैसे है, जैसे पावर कंकरेंट लिस्ट दिया गया है तो, तो यहाँ पर अगर मतलब हम बात करें भारत के अंदर तो जैसे अभी वित्तीय संघवाद की अवधारणा पर भी चर्चा चल रही थी वित्तीय संघवाद से क्या समझते हैं आप सर फाइनेंस के लेवल पे सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात की गई है कि आप जैसे जीएसटी का फॉर्मेशन हुआ कि आप एक यूनिट यूनाइटेड वे में क्योंकि टैक्सेशन का जो व्यवस्था है हर स्टेट से भी राज्य को जाता है जो केंद्र सरकार का जो सब्जेक्ट है तो सरकार ने कहा है कि हम एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हम इकट्ठा एक, एक बनाते हैं जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां करने आएंगी उनको फायदा होगा जीएसटी के तहत जी जीएसटी को लेकर विवाद क्या है राज्य और संघ के बीच में सर ये दोनों के बीच में जो एक क्षतिपूर्ति टैक्स की बात की गई थी सर, केंद्र सरकार के द्वारा वो कोरोना काल में टाइम पे दिया नहीं गया इसलिए स्टेट ने इस पे कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जीएसटी से बाहर हैं उसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है चले, चंपा जी आप तो लगातार बिहार में ही रही हैं बिहार से स्वाभाविक है कि आपको काफी लगाव होगा जी। उसकी कला संस्कृति को अच्छे से समझती होंगी मुझे बताइए कि हम लोग हमेशा से मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स की बात करते थे हाल फिलहाल में हम लोगों को भोजपुरी पेंटिंग शब्द सुनना सुनने को मिला है क्या मतलब है भोजपुरी पेंटिंग का सर भोजपुरी पेंटिंग में भोजपुरी सांस्कृतिक जैसे भोजपुरी मूवी में हम देखते हैं कल्चर का उसको एक पेंटिंग के तौर पे उतारने की बात हो रही है भोजपुरी पेंटिंग कोई लोक कला नहीं है ये कोई आधुनिक कला है नहीं सर लोक कला ही है लोक कला ही जी तो बताइए इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर ये अपने जानते हैं इस विषय में तो सॉरी सर स्पेसिफिक किसके बारे में मैं नहीं जान। मुझे बताइए कि अगर आपसे बिहार की संस्कृति को चिन्हित करने वाली किसी एक सांस्कृतिक घटना को चुनने को कहा जाए तो आप किस सांस्कृतिक घटना को बिहार का प्रतिनिधित्व करती हुई घटना मानेंगे सर बौद्धिक सर्किट को तो बौद्ध जो शिक्षाएं हैं और जो बौद्ध संस्कृति है वो आपको लगता है कि बिहार की रिप्रेजेंटेटिव संस्कृति मानी जा सकती जी क्यों ऐसा मानने की क्या वजह है क्योंकि इस जहाँ तक मैं जानती हूँ गौतम बुद्ध को मेन ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया से हुई थी वहीं से बौद्ध धर्म को आरिजिन माना जाता है तो इस वजह से वो बिहार प्ले... लेकिन बिहार ने तो कभी भी इस संस्कृति को जगह है अपनी जगह पर लेकिन पिछले हजार सालों से तो बिहार ने इस संस्कृति को स्वीकार नहीं किया नकार दिया तो वह संस्कृति जिसे वहाँ के लोगों ने नकार दिया उसे आप वहाँ की प्रतिनिधि संस्कृति क्यों मानना चाहती हैं सर मुझे पता नहीं है कि सरकार ने नकार दिया नहीं, सरकार ने नहीं, लोगों ने सरकार क्यों नकारेगी सर वो तो जगह उपलब्ध हैं लेकिन बिहार के तमाम लोग अधिकांश लोग जो हैं वो गैर बौद्ध हो गए उन्होंने दूसरे धर्मों को स्वीकार कर लिया हिंदू धर्म में आ गए अधिकांश तो जाहिर है कि उन्होंने उस संस्कृति को जो उस समय आई थी उसे एक हज़ार सालों से छोड़ा हुआ है सर मैं धर्म अस्पेसिफिक ये से नहीं उसको आगे लाना चाहूँगी सर उसमें ऐसी बहुत एजुकेशन है जो हमें आज जो इतने सारे लोग हैं पीसफुली एक तरह से कोऑर्डिनेशन का ये देता है जैसे आजकल के मॉल में टेंशंस बहुत बड़ी चीज़ है तो वो वो धर्म में उनके द्वारा जो बातें की गई हैं गौतम बुद्ध के द्वारा वो बहुत ऐसे रिलैक्सेशन वाला है जैसे मेडिटेशन एंड ये सब तो इस वजह से मैं उसे ठीक करना चाहूंगी चलिए ठीक है ये बताइए कि बिहार में के महत्वपूर्ण तो कौन से करताली चावल है मघी पान है बिहार के जिन उत्पादों को जी आई टैक्स दिया गया उसके बारे में अक्सर प्रचार किया जाता है लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता की जी आई टैक्स से कोई आर्थिक या वास्तविक लाभ इन उत्पादों को या इन जगहों को हुआ है क्या राय है सर मिथिला पेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा ये हुआ है काफ़ी ज़्यादा इसको इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिला है हाँ कुछ चीज को नहीं मिला है उसके लिए सरकार को साथ साथ जनता को अवेयर करने की जरूरत है और उसके लिए आपको अदर अदर नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी महोत्सव होते हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन करवाने की जरूरत है सर ठीक है चंपा आपसे बात करके हम लोगों को अच्छा लगा आपका इंटरव्यू समाप्त होता है आप Thank जा सकते हैं मैं आई सर आइए सी थैंक यू सर चंपा आपका इंटरव्यू सात तारीख को है जी कब जा रहे हैं आप दिल चार तारीख को चार को आप जा रहे हैं आ, ये आपका पहला इंटरव्यू होगा आयोग में जी पहला है किसी भी राज्य के आयोग में जी यूपी बिहार कहीं नहीं दिया पहले सर मैं यूपीएससी का दी थी बट इंटरव्यू नहीं इंटरव्यू नहीं प्रिपरेशन बट स्टेट में मेरा ये पहला है पहला है जी क्या लगता है आपको आपकी परफॉर्मेंस आज की देखते हुए आप प्रसन्न हैं या लगता है कि नहीं थोड़ा सा और सुधार करने की जरूरत जी थोड़ा सा, थोड़ा सा बहुत सुधार करने की जरूरत है किन एरियाज में आपको सुधार करने की जरूरत है एक तो आपने सेप का जो पूछा कि अगर पृथ्वी राउंड होता तो देखिए कर... सवालों पर मत जाए क्योंकि ये तो दावा कभी भी नहीं किया जा सकता कि जो सवाल यहाँ पूछा गया वही सवाल वहाँ पूछा जाएगा वो ये कोई गैस वर्क नहीं है जब सवाल पूछे जाते तो मूल उद्देश्य या तो कुछ क्षेत्रों की तरफ इशारा करना होता है कि ये वाला भी एरिया है देख लीजिए या फिर उस सवाल के बहाने आपकी पर्सनैलिटी के किसी हिस्से को देखना होता है जी। कि जब आप इन चीजों को देखते हैं तो इनके विश्लेषण में आपके व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा निकल कर आ रहा है क्योंकि ये सवाल पहले से कोई तैयार करके गया हो यह आवश्यक नहीं है संभवता नहीं ही गया होगा लेकिन उससे कैसे रिएक्ट करता है इससे आपके पर्सनालिटी निकलती है और उस हम उसे जांचने की कोशिश करते हैं देखिए चंपा कुल मिलाकर आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं आपके साथ जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आपके व्यक्तित्व में एक प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी दिखाई देती है आप जो हैं सो हैं जी। ये एक पॉजिटिव चीज है और आ, आ, बिहार बोर्ड में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इससे फर्क पड़ेगा वो आ, आ, आपके आपके फेवर में जाएगा जनरली आपकी मेहनत भी दिखाई देती है परिश्रम साफ साफ दिखाई देता है आपके यहाँ तक पहुँचने में जो अच्छा है और कुल मिलाकर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है बैठने का तरीका ठीक है वॉइस लेवल वैसे ठीक है लेकिन उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है और वो फ्लक्चुएशन कई जगह में अतार्किक है मतलब किसी जगह पर ऐसा होता है कि अचानक आपकी आवाज़ तेज़ हो जाती है और किसी जगह पर वो सामान्य रहती है मैं ये नहीं कह रहा कि मॉड्यूलेशन डी होना नहीं चाहिए होना चाहिए लेकिन उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए जब आप अपनी बात को कन्विक्शन के साथ कहने की कोशिश कर रही हैं तब आवाज़ ऊंची हो जाएगी जिस समय आप सामान्य तथ्यात्मक चीज़ें दे रही हैं उसमें सामान्य रहेगी या फिर सब जगह सामान्य रहने दीजिए कोशिश कीजिए कि ये मॉड्यूलेशन डी किसी परपज से हो कारण ना हो ठीक है ना आ, बाकी हैंड मूवमेंट आपका नहीं था अच्छी बात है आई कॉन्टेक्ट सॉरी फ्लो ठीक है ठीक है मतलब कि ये वाली बात ध्यान रखें अगर तो जी आई कांटेक्ट आप जानबूझकर एक साथ सब लोगों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कई जगह सलाह दी जाती है इसलिए कैंडिडेट कई बार ऐसा करते हैं लेकिन करना क्या है कि सामान्यतः जिससे बात करें सहज रही सहज होते हुए हम क्या करते हैं हम जिससे बात करते हैं उसको देखते हैं कभी इधर उधर एक आध बार देख लिया ले, लेकिन सामान्यतः जिससे बात कर रहे हैं उसको देखना आपने भी ऐसे ही करना है ठीक है ना कमिंग टू द कंटेंट थिंक देखिए वो जो नौकरी वाला सवाल है स्टेशन मास्टर वाली का पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो बहुत कन्विंसिंग तरीके से हैंडल नहीं हो रहा है आप दो काम कर सकते हैं या तो आप उसको उसका एक अगर आप उसका लाभ लेना चाहती हैं कि मेरा चयन हो चुका है तो फिर उसका एक कन्विंसिंग रिप्लाई तैयार कीजिए नहीं तो फिर उसे मैंशन मत कीजिए ओके okay, सर आप तय कीजिए आपने क्या करना है दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप उसका ठीक रिप्लाई दे पाती हैं तो लाभ होगा कि आपका पहले से चयन हो रखा है नहीं दे पा रही हैं तो फिर उसे हटा दीजिए ठीक है ना बाकी चीजें आप एक हैंड क्लास्पिंग करती हैं इस तरीके से हाथ को बांध के बैठती हैं उसे आप अवॉइड कर सकती हैं ठीक है जानकारी के स्तर पर ठीक है विश्लेषण कई जगह पर ठीक है कई जगह पर थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है ठीक है बाकी चीज़ें सर मैडम वाला कंफ्यूजन आपको होता है देखिए जब पुरुषों के साथ ये कंफ्यूजन कन्फ्यूज़न होता है तो उसके अलग वजहें होती हैं लेकिन किसी फीमेल कैंडिडेट के साथ ऐसा होना अच्छी बात नहीं ठीक है ना तो मेरी सलाह क्या रहेगी थोड़ा सा सतर्क रहेंगे और अगर गलती हो जाए तो तुरंत उसी समय में आप उसके लिए क्षमा मांगें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है कई लोगों को लगता है कि कैजुअल बात है ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग बहुत शातिर तरीके से काम करता है और वो क्यों आपसे ऐसा करवाता है इसकी गंभीर हो जाएं तो आपको सतर्क रह के इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा हम उसी पैटर्न पे फॉल करते जाएंगे जिससे पूरी पेट्रीयर की बनती है ठीक है तो उससे आप बच सकते हैं बाकी चीजें आप अच्छे से काम अच्छे से हैंडल कर पा रही हैं एक आध जगह पे थोड़ा सा ब्रश अप की जरूरत है जो आप कर लेंगे ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू सर सर मेनली कम्युनिकेशन में मेनली कम्युनिकेशन के एरिया में काम करना है कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है बाकी चीजें एंजॉय करना है ऐसा ना लगे कि आप दबाव में प्रोसेस को एंजॉय कीजिए उसी से आपके दस नंबर बढ़ जाते हैं ठीक है थैंक यू मैम थैंक यू सर